हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। राजा दिग्विजय सिंह जी, रामबाई जो बोल रही है वो शायद आप सुन लें, ये आपके लिए कुछ ठीक नहीं, क्योंकि आपने कहा था कि वो पूर्व गृह मंत्री के साथ गई हैं, लेकिन रामबाई ने इसका खंडन किया है। साथ ही उन्होंने हल्के लफ्जों में चेतावनी दे दी है कि कांग्रेस विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा तो रामबाई को क्यों मंत्री नहीं बनाया जाएगा, रामबाई भी मंत्री बनेंगी। गुरुग्राम के एक वायरल वीडियो में एक आवाज आ रही है कि महिलाओं को मत हाथ लगाओ, तो उन्होंने कहा है कि कोई मुझे हाथ लगाने वाला पैदा नहीं हुआ, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। इन तमाम चीजों के बीच में आप रामबाई का बयान सुने। रामबाई ने दबाव से जो बयान दिया है वो शायद कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, भले रामबाई कांग्रेस के पाले में हो। जो आज की रामबाई है वो पहले की रामबाई से थोड़ा अलग है, बदली है, बदला मिजाज है, बदला मूड है और बदली बात है। इस बात में भी कुछ राज है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं सच बोलूंगी नहीं और मुझे झूठ बोलना आता नहीं। देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। वो उनने गलत आरोप लगाया है, ना भूपेंद्र सिंह के साथ मैं गई हूँ और ना कोई ऐसी बात है। मैं तो, मेरी तो 8 दिन पहले फ्लाइट है। सिस्टम ऐसा, जैसा हल्ला फैलाया जा रहा है कि ऐसा खरीद फरोशी हो रही, कहीं जे हो रहा, कहीं ये झूठ है, ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसा कोई ऑफर आया नहीं है कि किसी भी तरीके का कि कोई ऑफर आया होता, क्या किसी ने मुझसे चर्चा की हो। मेरे पास तो कोई ऑफर नहीं है किसी का। मंत्री जब ऐसी सिचुएशन हो तो हर कोई बनना चाहेगा ना मंत्री, तो मैं क्यों नहीं बनना चाहूंगी। हम कमलनाथ जी के साथ, कभी दगा नहीं कर सकते। इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में तक नहीं कर सकते उनके साथ तो धोखा। उसका सच क्या है? इस दुनिया में कोनू पैदा नहीं हुआ जो हाथ लगा हाथ तोड़ दे। हम चाहे कोनू अधिकारी रहे जाए, वे खुद हम बचा भी हो कह रहे हमारे लाने के उन्होंने हाथ नहीं लगा। मतलब है जो उनने वाइट दी कि हम लोगों को जबरदस्ती लाए के गुंडागिर्दी, कैसे ला सकते हैं जबरदस्ती? किसी को कोई जबरदस्ती ला सकता है क्या? जो भी थे, जो भी हैं, अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आए, ना कोई मंत्री, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई। मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा चढ़ा है। 48 घंटे में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दो बातों से झूठे पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ बसपा विधायक रामबाई चार्टेड प्लेन से गई हैं। खुद रामबाई ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, रामबाई ने गुस्सा वाले अंदाज में शायद सरकार को चेता दिया, क्या कोई किसी के साथ बात नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता, क्या किसी पर बोलने या मिलने की पाबंदी है? वो उनने गलत आरोप लगाए है, ना भूपेंद्र सिंह के साथ मैं गई हूँ और ना कोई ऐसी बात है। मैं तो, मेरी तो 8 दिन पहले फ्लाइट थी, मेरी लड़की ने बुक करवाई थी और मैं खुद गई थी और वो मुझे एयरपोर्ट पे मिले थे। ऐसी कोई बात नहीं है ना, ना इसमें कोई बीजेपी का कोई सिस्टम ऐसा, जैसा हल्ला फैलाया जा रहा है कि ऐसा खरीद फरोशी हो रही, कहीं जे हो रहा, कहीं ये झूठ है, ऐसा नहीं है। नहीं, बीजेपी का उसमें कोई वो नहीं है। सब कांग्रेसी जो भी थे, जो भी विधायक थे, नेता थे, बीजेपी कांग्रेस सब बैठे थे, बात एक दूसरे से हो रही थी, सब चुनाव को लेके बजट पेश हो रहा, जी हो रहा है, ऐसी बात कुछ नहीं है। ना कोई खरीद फरोशी हुई है, ना कोई जबरदस्ती हुई है, कोई बच्चा नहीं, किसी को कोई उठा नहीं सकता, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिसको जहां जाना वो अपनी मर्जी से जाता है। हरियाणा के गुरुग्राम से वायरल वीडियो में महिलाओं को हाथ लगाने वाली बात पर रामबाई ने मीडिया के हवाले से जो मुंह से अल्फाज निकाले हैं। दीदी देखो, दीदी निकलो, ये महिला को हाथ लगा रहा है, ये एसपी महिला को हाथ लगा रहा है, ये एसपी गड़बड़ कर रहा है, ये जाने ये रोका, ये राम भाई कि कोई मुझे हाथ लगाने वाला पैदा नहीं हुआ, मैं उसका हाथ तोड़ देती। ना ही यह ताकत मंत्रियों में है, विधायकों में, ना ही अधिकारियों में। होटल का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें पुलिस अधीक्षक से कहा जा रहा है कि महिला को बार बार हाथ ना लगाएं, उसका सच क्या है? इस दुनिया में कोनू पैदा नहीं हुआ जो हाथ लगा हाथ तोड़ दे। हम चाहे कोनू अधिकारी रहे जाए, वे खुद हम बचा भी हो कह रहे हमारे लाने के उन्होंने हाथ नहीं लगाए। कोई ये सब चीजें झूठ है, ना कोई किसी को हाथ लगाया, ना कुछ हुआ, ना कोई ऐसी बात हुई। वो तो
पथरिया बसपा विधायक रामबाई ने जो बोला वो सियासी बोल है। इन बयानों से लग रहा है कि इस यात्रा के बाद पहले की रामबाई थोड़ी पतली पतली लग रही है। सियासत के इस बाजार में बाजारू बातें भले हो रही हो, लेकिन रामबाई ने इन सभी बातों की हवा निकाल दी है और दबे लफ्जों में चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस विधायकों को मंत्री बनाया तो मुझे भी मंत्री बनाना पड़ेगा। हालांकि वो यह कहती दिखी है कि मैं कमलनाथ के साथ हूँ और मरने के बाद भी अगले जन्म में भी उनके साथ रहूंगी। मंत्री जब ऐसी सिचुएशन हो तो हर कोई बनना चाहेगा ना मंत्री, तो मैं क्यों नहीं बनना चाहूंगी। और अगर हमारे सीएम साहब जो हैं कमलनाथ जी, अगर वो मंत्री बनाएंगे किसी को भी तो मुझे भी बनाएंगे साथ में। ऐसा तो है नहीं कि किसी और को बना दे मुझे छोड़ दे, तो ऐसा तो नहीं है। बनना तो सब चाहते हैं, पर कांग्रेस में ही बनना चाहते हैं। हम कमलनाथ जी के साथ, हम कमलनाथ जी के साथ कभी दगा नहीं कर सकते। इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में तक नहीं कर सकते उनके साथ तो धोखा बात जी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कुछ बातें अब सस्पेक्टेड लग रही हैं। सिंह का दावा था कि 24 घंटे के अंदर सभी विधायक कांग्रेस कैंप में आ जाएंगे। 4 विधायक अभी तक वापस नहीं आए हैं। अब गुरुग्राम की होटल में कितने विधायक थे और कितने साथ में आए यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि विधायक कितने हैं इनकी भी जानकारी नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच दावा किया था कि उनके संपर्क में कांग्रेस के 17 विधायक हैं। अगर भाजपा के पास 17 विधायक संपर्क में हैं तो कांग्रेस की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आया है। कुल लिहाज से कमलनाथ सरकार अब संकट में आती दिख रही है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ और आला कमान को यह जताना चाहते हैं कि हमने सरकार बचा ली है और इसमें सिंधिया कैंप के मंत्रियों और विधायकों का हमें सहयोग नहीं मिला है। पार्टी के 2 नेताओं की अंतर्कलह से यह घटनाक्रम हुआ है। सिंधिया गुट कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है, जबकि कुछ मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हमारे विधायकों को बंधक बनाया है, उन्हें पीटा है। अगर ऐसा हुआ है तो रामबाई क्यों ऐसा बोल रही हैं? अगर रामबाई की बॉडी लैंग्वेज कांग्रेस समझ जाए तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। गायब हुए विधायक कांग्रेस कैंप में जरूर लौटे हैं, लेकिन दिल से नहीं बल्कि सरकार के आश्वासन से। अगर जल्द ही आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो रामबाई सहित अन्य विधायक गुरुग्राम में नहीं बल्कि भाजपा ग्राम में होंगे, यह भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। नरेंद्र आठिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, दमोह। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9827137475 9999366776।